Hi guys, thank you so much for watching my channel The Witty Turtle. And today we are going to continue with the chapter Operating Costing, जिसमें आज हम लोग करने वाले हैं illustration number 52. So question में बोल रहा है, Angel Holiday Home runs in a small hill station with 100 single rooms. एक holiday home है जिसका नाम है Angel और वो एक छोटे से hill station में है, जहाँ पर उसका 100 single rooms है. The home offers concessional rates during 6 off season in a year. Okay. तो एक साल में 6 महीना उनका off season है और बाकी का जो 6 महीना है that is peak season. तो off season के during वो ना concessional rates यानी कि discount offer करती है. During this period half of the full room rent is charged. तो ये जो 6 महीना है इसमें जितना full room rent है उसका half ही charge किया जाता है. The management's profit margin is targeted at 20% of the room rent. Okay. Room rent jitna bhi hai, uska 20% unka profit margin hai. The following are the cost estimates and other details for the year ending on 31st March 2018. Aur hame bola hai, ek month 30 days ka hai, ye hame assume karna hai. Phir first point mein bol raha hai, occupancy during the season is 80%. जबकि ऑफ सीजन के दौरान इट इज ओनली 40%. ओके, फिर बोल रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट इन द होम इज 200 लाख, जिसमें से कि 80% इज रिलेटेड टू बिल्डिंग्स और बाकी का जो बैलेंस है दैट इज रिलेटेड टू फर्नीचर एंड इक्विपमेंट. सो जिस भी क्वेश्चन में हमें ऐसे गिवन रहता है कि बिल्डिंग का वैल्यू इतना है, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट का वैल्यू इतना है, तो उस केस में समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन भी आगे जाके डेप्रिसिएशन का रेट भी हमें दे देगा. फिर बोल रहा है एक्सपेंसेस, यहाँ पर बहुत सारा एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है. फिर नेक्स्ट बोल रहा है येस, एनुअल डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर बिल्डिंग्स एट द रेट ऑफ 5% एंड ऑन फर्नीचर एंड इक्विपमेंट एट द रेट ऑफ 15% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड. SLM मेथड में हमें इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. फिर बोल रहा है रूम अटेंडेंस आर पेड ₹10 पर रूम डे. ओके, तो ये हो रूम अटेंडेंस आर पेड ₹10 पर रूम डे. ओके, तो यहाँ पर हमें कॉस्ट यूनिट गिवन है रूम डे. ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम्स इन अ मंथ, तो रूम अटेंडेंस जो है वो जितना भी किसी रूम का ऑक्यूपेंसी रहता है एक महीने में, उनको पर रूम डे मतलब एक रूम से उन्हें एक दिन के लिए ₹10 मिलता है. नेक्स्ट है मंथली लाइटिंग चार्जेस आर 120 पर रूम एक्सेप्ट इन 4 मंथ्स इन विंटर व्हेन इट इज ₹30 पर रूम एंड दिस कॉस्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ फुल ऑक्यूपेंसी फॉर अ मंथ. ओके, तो यहाँ पर बोल रहा है कि साल में 8 महीने जो लाइटिंग चार्जेस है दैट इज ₹120, लेकिन जो 4 महीना विंटर सीजन का है दैट इज ₹30 पर रूम. और ये जो कॉस्ट है दिस इज बेस्ड ऑन फुल ऑक्यूपेंसी फॉर अ मंथ. यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे बोथ ड्यूरिंग द सीजन एंड द ऑफ सीजन मंथ्स ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन. राइट, तो हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट बनाने से पहले हमें उसका कॉस्ट यूनिट आइडेंटिफाई करना रहता है और टोटल कितना कॉस्ट यूनिट हो रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट, कि टोटल कितने रूम डेज हैं एक साल में, टोटल रूम डेज इन अ ईयर. तो फर्स्ट हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे सीजन और ऑफ सीजन में. तो अगर हम लोग पीक सीजन की बात करें तो उसमें ऑक्यूपेंसी कितना है 80%. सो अभी हम लोग इसका ऑक्यूपेंसी कितना रूम डेज है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. और क्योंकि रेंट को बोला है कि हम लोग ऑफ सीजन के दौरान उसको हाफ ही लेंगे, रूम फुल रूम चार्जेस का हाफ ही लेंगे, तो इसीलिए हम लोग इसको फिर अगेन कन्वर्ट कर देंगे किसमें, वो कितने फुल रूम्स के बराबर है, इक्विवेलेंस टू फुल रूम ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे. सो जब पीक सीजन होता है ऑक्यूपेंसी कितना रहता है, 100 रूम्स हैं और 80% ऑक्यूपेंसी रहता है. ये रहता है 6 मंथ्स तक, 6 मंथ्स तक पीक सीजन चलता है. और उसके बाद क्वेश्चन में हमें बोला है ये अज्यूम करने के लिए कि एक मंथ में 30 डेज है. राइट, सो उसी हिसाब से हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे एंड दिस विल बी 180% मल्टीप्लाइड विथ 6 मल्टीप्लाइड विथ 30. सो ये आ रहा है आपका 14,400 रूम डेज. राइट,
ये क्या है, सीजन के दौरान है, तो इसको अगर हम लोग फुल रूम्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, दिस विल बी सिंपली जितना था उतना ही होगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहाँ पर तो हम लोग ऑलरेडी फुल रूम का ही चार्जेस ले रहे हैं, क्योंकि ये सीजन में है, पीक सीजन में है. दिस मच ऑफ रूम डेज इन टू वन, तो ये हो जाएगा आपका 14400 रूम डेज. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑफ सीजन का. ऑफ सीजन में ऑक्यूपेंसी कितना रहता है, 40%. तो वैसे ही अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसका हाफ आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7200 रूम डेज, राइट. अब ये जो ऑफ सीजन के दौरान रूम है, इनका जो चार्जेस होगा, दिस इज चार्जेस, वो क्या हो जाएगा, फुल रूम का जितना चार्ज है उसका आधा हो जाएगा. सो दिस विल बी नियरली इक्वल टू हाउ मेनी फुल रूम्स, दिस इंटू हाफ, आधा है इसके चार्जेस. सो ये हो जाएगा 3600 रूम, फुल रूम डेज. हम इसको ऐड कर देंगे, सो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 21600 रूम डेज. एंड ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 18000 फुल रूम डेज. ठीक है, ये समझ में आ गया आपको. तो ये तो हो गया हमारा कॉस्ट यूनिट को लेके जो भी हमें डिस्कशन करना था, जो भी हमें कैलकुलेट करना था, वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. अभी हम लोग इसका जो स्टेटमेंट ऑफ टोटल कॉस्ट है वो बनाते हैं, और वो बनाते बनाते हमें समझ में आ जाएगा कि हमें और क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, और अकॉर्डिंगली हम लोग वर्किंग नोट्स भी बनाते जाएंगे. सो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो सारे कॉस्ट हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, स्टाफ सैलरी, रिपेयर्स टू बिल्डिंग्स, लॉन्ड्री, फिर इंटीरियर, सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो ये जितने भी हैं ये सब हमें कैलकुलेट करके यहाँ पर मैं टोटल इसका लिख दूंगी. दिस विल बी हाउ मच. सो ये सबको टोटल कैलकुलेट करने पर ये आ रहा है 12,56,800 रुपीज़, राइट. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि बिल्डिंग के ऊपर डिप्रिसिएशन कितना बोला है. तो बिल्डिंग बोला है जितना टोटल उनका इन्वेस्टमेंट था, दैट इज 200 लाख, उसका 80% उन्होंने किस पे खर्चा किया है, बिल्डिंग्स पे खर्चा किया है. सो दिस विल बी 80%, और अगेन इस पे 5% का डिप्रिसिएशन. सो ये हो जाएगा हमारा डिप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग विल बी 8 लाख रुपीज. फर्दर क्या बोला है, फर्नीचर और इक्विपमेंट्स के ऊपर. तो अगर 200 लाख से वो लोग टोटल 80% उनका चला गया किस पे, बिल्डिंग्स पे चला गया, तो बाकी का जो 20% है कितना हो जाएगा, 40 लाख. 200 लाख का 20% विल बी 40 लाख, एंड उसका हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, दैट इज 15% एट द रेट ऑफ 15%. 40 का 15% विल बी 6 लाख, दिस विल बी 6 लाख. नेक्स्ट है हमारा जो रूम अटेंडेंट्स का वेजेस है, वो कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उनका कितना है, 10 रुपीज़. 10 रुपीज़ वो लोग किस पे चार्ज कर, उनको कितने पे मिलेगा, उनको 10 रुपीज़ मिलेगा पर रूम डे ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द रूम्स इन अ मंथ. सो इसको हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमारा जितना फुल रूम डेज आया है, दैट इज 18,000. ये बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, दिस इज 18,000 रूम डेज. सो यहाँ पर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस विल बी 10 रुपये मिलेगा उनको एक रूम डे का, और यहाँ पर उनके पास टोटल कितने रूम डेज हैं, 18,000 रूम डेज. सो ये हमारा कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1,80,000 रुपीज. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा लाइटिंग चार्जेस. सो हम लोग लाइटिंग चार्जेस के लिए पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसको फिल करेंगे. सो लाइटिंग चार्जेस के लिए हमें क्या बोला है, फॉर 8 मंथ्स, 8 महीने के लिए वो लोगों का जो लाइटिंग चार्जेस आता है वो कितने के लिए आता है, वो आता है 120 रुपीज़ पर मंथ. और बाकी का जो विंटर सीजन होता है उसमें उनको बाकी का जो 4 महीना विंटर सीजन होता है उसमें उनका कितना आता है, 30 रुपीज़ पर मंथ. सो यहाँ पर हमारे पास, हमको पता है कि जो पीक सीजन होता है वो 6 महीना रहता है, जो ऑफ सीजन होता है वो भी 6 महीना रहता है. सो अभी हमें पता है कि ये जो हॉलीडे होम है ये हिल स्टेशन में सिचुएटेड है, तो हिल स्टेशन में ऑफ सीजन कब होता है,
हिल स्टेशन लोग ज्यादातर गर्मियों में घूमने जाते हैं, सो इनका जो पीक सीजन है दिस इज समर। समर का जो 6 महीना होता है दिस इज देयर पीक सीजन। और जो ऑफ सीजन है वो कब है? विंटर में। विंटर में उनका ऑफ सीजन रहता है। सो अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट करना है हमें इसका लाइटिंग चार्जेस कितना आ रहा है। इसके लिए हमें पूरे साल को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। द फर्स्ट वन इज कि पीक सीजन भी रहता है और विंटर भी नहीं है, यानी कि ये जो छः महीना है ये क्या है? पीक सीजन है, विंटर भी नहीं है। सो इसमें ऑक्यूपेंसी कितना रहता है? 80% रहता है। सेकेंड पार्ट जो है वो क्या है? ऑफ सीजन है, यानी कि ये जो 6 महीने में से ये है 2 महीना और यहाँ पर, और ये है नॉन विंटर, मतलब ये जो विंटर का 4 महीना है, ये 6 महीने से, ये अगर टोटल 6 महीना है, इसमें से आप अगर ये विंटर वाला 4 महीना हटा दे तो बाकी बच गया 2 महीना। वो क्या है? वो है ऑफ सीजन और नॉन विंटर, यानी कि यहाँ पर भी जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है वो कितना आएगा? 120 रुपीज़ पर मंथ। फिर जो है थर्ड में क्या आता है? थर्ड में आता है ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका? ऑफ सीजन भी है और विंटर भी है, तो इसमें आपके जो लाइटिंग का चार्जेस कितना आएगा? 30 रुपीज़ पर मंथ। और यहाँ पर ऑक्यूपेंसी कितना है? दिस इज ऑल्सो गिवन एज 40%। सो अभी हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि लाइटिंग का जो चार्जेस है वो कितना आएगा। फर्स्ट हम लोग इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, वी हैव हाउ मेनी रूम्स? वी हैव 100 रूम्स। व्हाट इज द ऑक्यूपेंसी परसेंटेज? 80%। कितने महीनों के लिए रहता है सीजन हमारा? 6 महीने के लिए रहता है। और जो हमारा लाइटिंग चार्जेस है वो कितना है? 120 रुपीज़ पर मंथ। सो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट कर देंगे सो ये आ जाएगा हमारा 57,600। सिमिलरली इसके लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वही 100 रूम्स हैं हमारे पास और इसका जो ऑक्यूपेंसी है दिस इज ऑल्सो 40%। और ये कितने महीनों के लिए लास्ट करता है? ये लास्ट करता है 2 महीनों के लिए, क्योंकि उसके बाद जो बाकी का 4 महीना है वो तो विंटर सीजन में आ गया। और इसका जो लाइटिंग का चार्जेस है वो कितना है? 120 पर मंथ। लेट्स कैलकुलेट ये कितना हो रहा है। 100 × 40% × 2 × 120, राइट? ये आ गया आपका 9,600 रुपीज। थर्ड में क्या है? इधर भी हमारे पास 100 रूम्स हैं, ऑक्यूपेंसी जो है ये 40% ही है क्योंकि ऑफ सीजन में है। ये हमारा आ गया 4 मंथ्स और ये जो खर्चा है दिस इज हाउ मच? 30 रुपीज़ पर मंथ। सो ये कितना हो जाएगा? 40 × 4 × 30। सो ये आ जाएगा आपका 4,800। इन सबको अगर हम लोग ऐड कर देंगे सो ये कितना आ जाएगा आपका? 72,000 आ जाएगा आपका टोटल लाइटिंग चार्जेस। अब यहां पर जो आपका टोटल कॉस्ट है वो कितना हो जाएगा ये अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल कॉस्ट विल बी 1,256,800 प्लस 8 लैक्स प्लस 6 लैक्स प्लस 1,80,000 प्लस 72,000। ये आ गया आपका हाउ मच? दिस इज 2,908,800। हमें क्या बोला है? हमें बोला है कि प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कितना है, दैट इज 20% ऑन रूम रेंट। ये हमें क्वेश्चन में बोला है कि जो मैनेजमेंट है उनको कितना चाहिए? रूम रेंट जितना भी है उस पर उनको 20% का प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। सो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20% ऑन रूम रेंट विच विल बी इक्वल टू हाउ मच? 25% ऑन द कॉस्ट, इस पे 25%। ये है हमारा 2,908,800, इसका 25%। ये हो जाएगा कितना? दिस विल बी 7,027,200, ठीक है? इसको जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा टोटल रेंट टू बी चार्ज्ड, दिस इज हाउ मच? प्लस 2,908,800। ये आ गया हमारे पास टोटल, हमें कितना चार्ज करना है रेंट।
अभी थोड़ा क्वेश्चन में वापस जाते हैं. क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेंट चार्जेबल पर डे. तो हमें ड्यूरिंग द सीजन और ड्यूरिंग द ऑफ सीजन कितना हमारा रूम रेंट होगा पर डे का, वो हमें अभी कैलकुलेट करना है. सो टोटल कॉस्ट पर इक्विवेलेंट फुल रूम डेज, ये कितना हो जाएगा हमारा टोटल कॉस्ट जो है वो कितना है, 36,00,000 and 36,000. इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे, फुल रूम डेज से. फुल रूम डेज हमारे पास कितना है, 18,000. इसको जब हम लोग डिवाइड कर देंगे, ये कितना आएगा, दिस डिवाइडेड बाई 18,000, 202 आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट टू फुल रूम डेज. ठीक है, और हमारा अभी जो रूम रेंट है वो कितना होगा ड्यूरिंग द सीजन, तो यही रहेगा 202, और ड्यूरिंग ऑफ सीजन कितना आ जाएगा, ये दिस विल बी रुपीज 202 मल्टीप्लाइड विद 50% विच विल बी 101 rupees. आई होप आप लोगों को आज का ये क्वेश्चन समझ में आया, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें.